So hello guys, this is Krishna and welcome back to our YouTube channel TechAlike. तो गाइस आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि होने वाली है फोटोग्राफी हैक्स के ऊपर। जी हाँ, मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे करें। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कमेंट्स आए थे कि फोटोग्राफी के ऊपर वीडियो लेके आइए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि फोटो शूट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, फोटो क्लिक करने की परफेक्ट टाइमिंग क्या होती है, मोबाइल को कैसे होल्ड करें अपने हैंड में परफेक्ट फोटो क्लिक करने के लिए, गोल्डन रेशियो क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड किसे कहते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फोटोज बेस्ट होती है और फोटोज को बेस्ट तरीके से क्लिक करने का क्या तरीका होता है। सो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अब तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल फोटोग्राफी के लिए आपके फोन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होना जरूरी है जो आपके कैमरे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि आपका कैमरा बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है एक परफेक्ट फोटो को क्लिक करने में। सो इसलिए कैमरे के अंदर कुछ फीचर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जो कि आपके फोटोज की क्वालिटी, उसकी क्लियरिटी और उसके पिक्सल्स को इनहेंस करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। सो मैं फोटोग्राफी हैक्स के साथ साथ आपको सारी कैमरे की भी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले जो आता है वो होता है मेगापिक्सल। मेगापिक्सल का मेजर काम होता है आपकी फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज करना। इट मींस अगर आप फोटो को जूम करेंगे तो उसके फोटोज के एजेस ब्लर नहीं होंगे, वो आपको क्लियर दिखेंगे और जितना मेगापिक्सल आपके कैमरे का इंक्रीज होगा उतनी ही आपके फोटो की लेंथ भी इंक्रीज होगी। इसका इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके फोटोज के अंदर। सेकंड है हमारा अपर्चर। अपर्चर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। सो जितना ज्यादा हमारा फोकल लेंथ कम होगा, यानी बैकग्राउंड हमारा उतनी ही प्रोफेशनल तरीके से ब्लर होगा। कम फोकल लेंथ होने का मतलब आपका कैमरा बहुत ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा और आपके बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर करेगा। सो ये है फोकल लेंथ का मतलब। अब हम बात करते हैं कैमरे के सेंसर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टेबल रोल प्ले करता है। कैमरे का सेंसर जितना ज्यादा बड़ा होता है फोटो की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा जबरदस्त होती है। सो सेंसर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोग्राफी में। अब बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। फोन का प्रोसेसर जितना ज्यादा अच्छा होता है वो इमेज को उतने ही अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है और उसकी क्वालिटी को इनहेंस करता है। इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फोन का प्रोसेसर। सो अच्छा प्रोसेसर का फोन इमेज की क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है और फोटो की एक एक डिटेल्स को इनहेंस करके आपको देता है। अब हम समझते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बीच में डिफरेंस। अगर हम फोन को व्यू के बेसिस पे देखें तो इसमें दो मोड होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। जब आप फोन को वर्टिकली होल्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट और जब फोन को आप हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्केप मोड। और जब हम बैकग्राउंड के बेसिस पे बात करें तो ये टर्म चेंज होके शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाते हैं, जहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस होता है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। लेकिन जब हम डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करें तो उसमें हर एक जगह पे इक्वल फोकस होता है और इमेज बिल्कुल ही शार्प होती है। एक ब्यूटीफुल शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की फोटोग्राफी करने के लिए या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने के लिए आपका एपर्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगा उतना ही बेहतरीन ब्लर होगा और एक बेहतरीन फोटोग्राफ निकल के आएगी। और इसी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के इफेक्ट को और ज्यादा इनहेंस करता है डेप्थ सेंसर। डेप्थ सेंसर का मेजर रोल होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना और बैकग्राउंड को प्रोफेशनल तरीके से ब्लर करना, जिससे इमेज और भी अच्छे से इनहेंस हो सके। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो लेंस के बारे में। इसका मेजर रोल होता है जूमिंग का। अब जूमिंग दो तरह की होती है, डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम। डिजिटल जूम के कंपैरिजन में ऑप्टिकल जूम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वर्क करता है। आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, डिजिटल जूम की जो इमेज है जूम करने पे ब्लरी हो जाती है, लेकिन ऑप्टिकल जूम में ऐसा नहीं होता। इसकी इमेज के एजेस बहुत ही ज्यादा शार्प और डीप होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक, जो की है कैमरे को होल्ड कैसे करना है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैमरे को होल्ड करते हैं, यानी अपने मोबाइल फोन को होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप अपने फोन को कैसे होल्ड करते हैं, मैटर ये करता है आपके हाथ में होल्ड करने की वजह से वो इमेज शेकी या ब्लरी ना हो। अगर आपका हैंड शेक करता है तो आप किसी ट्राइपॉड स्टैंड का यूज कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होता है फोन को होल्ड करने के लिए। लेकिन आजकल हमारे फोन के अंदर इमेज स्टेबिलाईजेशन नाम की चीज आती है, जो की इसमें इनबिल्ट होती है OIS और EIS के नाम से। यहाँ पे OIS EIS के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर के ऊपर बेस होता है
और इसका मेजर वर्क होता है इमेज को शेकी और ब्लरी होने से बचाना, यानी इमेज और वीडियो को स्टेबल करना। पहले ये फ्लैगशिप फोनों में आता था, लेकिन अब ये बजट फोनों में भी आता है, तो आप इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और इससे आपको किसी भी तरह के ट्राइपॉड स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सैंपल इमेज दिखाता हूँ जिसमें OIS या EIS ऑन है। ऑन होने की वजह से देख सकते हैं इमेज में कितना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। जिस इमेज में OIS ऑफ होता है वो इमेज बहुत ही ज्यादा ब्लरी और शेकी होती है, इसलिए OIS टेक्नोलॉजी का होना कैमरा फोन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं फोटोग्राफी की बेस्ट टाइमिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे आप लोग को प्रेफर करूंगा सनसेट और सनराइज का टाइम, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिसको फोटोग्राफी टर्म में गोल्डन आवर भी बोला जाता है। इस टाइम पे अगर आप फोटोग्राफी के लिए निकलते हैं और फोटोज को क्लिक करते हैं तो वो फोटोज बिल्कुल ही प्रोफेशनल और एक नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो अब तक मैंने आप लोग को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे फोटोग्राफी है, जो कि हमारा रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो रूल, जिसमें गोल्डन रेशियो रूल का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होता, फिर भी मैं आप लोग को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रिड गोल्डन रेशियो और स्पाइरल रेशियो। ये स्पाइरल रेशियो जो होता है आपकी फोटोग्राफी में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है जब आप रूल ऑफ थर्ड्स का अप्लाई करते हैं, और ये ग्रिड जो लाइन होती है ये रूल ऑफ थर्ड से थोड़ी सी डिफरेंस होती है। इसके जो सेक्शंस होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लूं, ये नेचुरल फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको अपने सीन को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, स्मॉलेस्ट सेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है और जो लार्जर सेक्शन है उसको आपको नेचर को देना है, ताकि नेचर की ब्यूटी वहाँ पे अच्छे तरीके से कैप्चर हो सके। अब हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड के बारे में, जो आपके फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यहाँ पे 9 सेक्शंस होते हैं जिसको ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमेशा आप लोग को ऑब्जेक्ट के हेड को रखना है, और ये जो वर्टिकल लाइंस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बॉडी होगी। इससे क्या होगा, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। लेकिन इसके दो फायदे होते हैं, अगर आप नेचर में फोटोग्राफी कर रहे हैं और नेचर को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये जो स्टार्टिंग के जो दो सेक्शंस होते हैं उनको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए नेचर को कैप्चर करने के लिए, और ये जो वर्टिकल लाइन है लास्ट सेक्शन में उसको आप रखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे आप नेचर की ब्यूटी को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाए। अब मैं आप लोग को एक प्रो टिप देने वाला हूँ, ये जो रूल ऑफ थर्ड की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसको आपको मैच करना है लाइन ऑफ हॉरिजन से। मतलब इस फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजन लाइन से मैच किया गया है। हॉरिजन वो जगह होती है जहाँ पे ऐसा लगता है आसमान जमीन से मिल रहा है, तो यहाँ पे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली मैच की गई है। तो ये परफेक्टली एग्जांपल है रूल ऑफ थर्ड का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेकंड वर्टिकल लाइन में रखा गया है और मैक्सिमम नेचर को कवर करने की कोशिश की गई है। तो जब भी आप स्काई को कैप्चर करने की कोशिश करें, हमेशा ऊपर के जो दो सेक्शंस हैं उसको आप स्काई को दें और जो नीचे का जो सेक्शन है उसे आप लैंड को दें। यहाँ पे एक और छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये फोटो आपके सामने आप लोग को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रही होगी, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परफेक्ट टाइमिंग पे क्लिक की गई है, यानी सनसेट के टाइम पे क्लिक की गई है, इसलिए आप लोग को परफेक्ट लग रही है। इसलिए टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन इसमें रूल ऑफ थर्ड का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज्यादा गलत है। अगर ये लाइन ऑफ हॉरिजन से मैच की गई होती फोटो, तो ये फोटो और भी ज्यादा परफेक्ट हो सकती थी। एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे लैंड को अच्छे तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की गई है, इसलिए लैंड को दो सेक्शंस दिए हैं और स्काई को ऊपर का एक सेक्शन दिया है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा गया, जिससे ये इमेज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है और ब्यूटीफुल लग रही है। अगर हम बात करें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर, तो आप लोग को ध्यान देना है जो ऑब्जेक्ट की आईज है वो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए, और ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमेशा आपकी आईज से मैच करते होनी चाहिए। जब भी आप एक पर्सन की फोटोग्राफी करते हैं तो आप लोग को ध्यान देना है हमेशा ऑब्जेक्ट को किसी भी वर्टिकल लाइन के ऊपर रखना है, और लेफ्ट के या राइट के जो दो सेक्शन है उनको बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ना है, ताकि वो नेचर को कैप्चर करे, और ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकल लाइंस पे रखना है और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आईज से मैच करना है। तो अगर आप कभी भी नेचर फोटोग्राफी करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो रूल ऑफ थर्ड का अप्लाई जरूर करिए, और हमेशा कोशिश करिए लैंडस्केप मोड पे फोटो लेने के लिए, ताकि मैक्सिमम
वाइड एरिया कवर हो सके और जो नेचर की डेप्थ है उसको आप अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाए इमेज के अंदर, ताकि नेचर के हर एक पार्ट के ऊपर इक्वल फोकस जाए। यहाँ पे आप लोग कुछ बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें लैंडस्केप मोड पे नेचर की डेप्थ को कैप्चर किया गया है और रूल ऑफ थर्ड का परफेक्टली यूज किया गया है। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं, जो गोल्डन रेशियो ग्रिड लाइंस होती है और रूल ऑफ थर्ड की जो लाइंस होती है उसमें यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो गोल्डन रेशियो रूल की जो लाइंस है वो अनइक्वल है और रूल ऑफ थर्ड की जो लाइन है वो उसके हर एक सेक्शन बहुत ही ज्यादा इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फाइनली आप लोग को तीन बातों का ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी करते हैं नेचर के अंदर, तो आपको पोर्ट्रेट मोड पे फोटोज को कैप्चर करना है ताकि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो और बैकग्राउंड ब्लर हो। अगर आप नेचर की फोटोग्राफी करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो लैंडस्केप मोड पे करिए और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करिए ताकि आप नेचर की डेप्थ को कैप्चर कर सके। थर्ड, रूल ऑफ थर्ड्स का अच्छे तरीके से अप्लाई करिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है उस बात का ध्यान रखिए और आईज को हमेशा अपर हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करिए। तो सिर्फ इन तीन बातों को ध्यान में रख के आप एक परफेक्ट फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप एक परफेक्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार, 30 से 50 हजार, तो वो सारे के सारे फोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।